अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दोबारा से हम आ गए क्रिकेट रिव्यू करने के लिए विद द सेम पैनल, शेख साहब, शारिक भाई और मैं पाशा। सो वी गोना टॉक अबाउट दिस, ये जो हम आज बात करने वाले हैं ये ऑस्ट्रेलिया ने जो है ड्रामेबाजी जो करी है उस पर बात करने वाले हैं। तो सुनने में ये आया है कि ऑस्ट्रेलिया ने खेलने से मना कर दिया अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो वुमेन राइट्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो क्या कहते हैं आप बताएं भाई? भाई वुमेन राइट्स इनके इतने ज्यादा है ना कि वहाँ पे आपने देखा है कि कपड़ों की कमी हो जाती है। हाँ ये बात देते हैं लोग, इन लोग को बेसिकली गवर्नमेंट का इशू है ना ये, आपको इसमें क्रेडिट मिक्स करनी ही चाहिए। स्पोर्ट्स में मिक्स करके आप उससे ताल्लुकात खराब करके मैचेस खत्म कर रही है। अच्छे खासे अच्छे मैच होते हैं ऑस्ट्रेलिया और उसके थे ये अपना वर्ल्ड सीरीज के थे इनके सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, सारा मजा क्रिकेट हो जाएगा। ये बात भी है और जो है मतलब वो नहीं है कि इन्होंने पूरा इसकी वजह क्या है तुम बताओ, ये क्यों बोला है उन्होंने? वजह इसकी ये है कि हाल ही में जो अफगानिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है तालिबान की, उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी पर गर्ल्स एजुकेशन पर जो है वो बैन लगा दिया। तो उसकी वजह से जो है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी गवर्नमेंट से जो है उन लोगों ने बातचीत करी है और उसके बाद वो इस फैसले पर पहुंचे हैं कि हम जो है अफगानिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे T20 के मैच। और एक सवाल है, उन्होंने गवर्नमेंट से आगे पूछा क्यों? वही ना, अब वही आगे चलकर यही बात होनी है कि क्योंकि एक कोई भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो, PCB हो या BCCI हो, कोई भी हो, ये एक अलग गवर्निंग बॉडी होती है जो जो उसके साथ जो गवर्नमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं होता। तो और वो गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व भी इन्होंने होना चाहिए, तो गवर्नमेंट को ना कंसर्न करना चाहिए ना उन्होंने पूछना चाहिए। लेकिन जो है पिछली दफा भी होता 2021 में जब वो लोग जा रहे थे अपना एक मैच का एक मैच का वनडे खेलने, तो उस टाइम भी उन्होंने यही करा था 2021 में कि भाई हमने कैंसिल कर दिया, इसी वजह से तालिबान ने जो है उस टाइम फीमेल टीम जो उन्होंने वो डिसॉल्व कर दी थी, तो उन्होंने उस टाइम वो कैंसिल कर दिया। मुझे समझ नहीं आता कि वो अपने मुल्क में जो भी करें इनको क्या जा रहा है, वही ना। लाइक ये तो है कि अपने मुल्क से बैठ के दूसरे के मुल्क को आप चलाने की कोशिश करें, कल को अफगानिस्तान बोले कि भाई आप जो है वो जो आप करते हैं वहां पे अपने मुल्क में आप ना करें। ये क्या ड्रामा है बेकार का, ये बंदा जो करना करे। गोरों के अंदर ना वो सुलेमानी कीड़ा होता है, यहां के गोरों में भी है, हर जगह गोरों में क्या दूसरे वुमेन राइट्स और ये वो, मैन कम ऑन, बेकार की बात है भाई। वो वुमेन राइट्स अपनी जगह है, आप अपनी कंट्री में करो, लेकिन जो है व्हाट अबाउट ह्यूमन राइट्स? अगर आप जाके कश्मीर में लोग मरते हैं आप नहीं केयर करते ह्यूमन राइट्स की, आप जाके इंडिया में exactly, वही तो बात है कि आप जो है इस चीज को पॉलिटिक्स में कन्वर्ट नहीं करो। और हमेशा से ये बात होती है जब पाकिस्तान इंडिया का जब भी कुछ होता है तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि भाई इस चीज को पॉलिटिक्स में नहीं लेकर आओ। इसी तरह कोई भी दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, अगर आपकी एक स्पोर्ट्स रिलेशनशिप है, अनलेस के वो बहुत ही कोई इनह्यूमेन लेवल पर जाकर कोई चीज हो रही है तब आप उस पर कंसर्न कर सकते हो। लेकिन एज अ कंट्री, एक कंट्री का राइट है, एक गवर्नमेंट का राइट है कि वो अपनी कंट्री को कैसे चलाए। हाँ। तो उस पर आपको इस तरह से बोलने की जरूरत नहीं है। अब उसी के आप देखो ना, उसी के तरह उसी के रिप्लाई में राशिद खान बोल रहे हैं कि मैं पुल आउट कर लूंगा, दूसरे प्लेयर्स बोल रहे हैं करा नहीं है अभी नवीनुल हक ने कर दिया राजस्थान खान ने बोला है नहीं, राजस्थान खान ने बोला कि मैं फ्यूचर में देखूंगा, क्योंकि अभी तो उसने खाली 8 मैच खेले हैं उसके अंदर BBL के अंदर, फिर वो चला गया जो साउथ अफ्रीका T20 हो रहा है उसके अंदर, उसको कैप्टनसी करनी थी मुंबई इंडिया की, केपटाउन की टीम की, MI केपटाउन की, तो उसमें चला गया। तो जो है इस वजह से उसने खाली 8 मैच खेले, लेकिन उसको वापस आना नहीं था। अगले सीजन की वो बात कर रहा है कि अगर उसने बोला है, उसके करेक्ट वर्ड्स अगर मुझे याद है तो उसने ये बोला है कि अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इतनी प्रॉब्लम है और इतनी अनकंफर्टेबल होती है तो उनको मेरे यहाँ होने से भी अनकंफर्टेबल फील होता है और मैं किसी को अनकंफर्टेबल फील कराना नहीं चाहता। हाँ। इस तरह से तो उसने बहुत अच्छे लफ्जों में बोला है कि भाई आप अपना देख लें, अगर आपको हमसे नहीं खेलना तो हमें क्यों बुला रहे हैं, हमको पैसे क्यों दे रहे हैं, अपनी अगर हम स्टार्स हैं तो आप हमें पैसे दे रहे हैं कि आकर हमारी लीग्स में खेलो, अभी हमने उनको वर्ल्ड T20 में भी खेला, अगर आपको नहीं खेलना था उनके साथ तो आप उस टाइम भी उनको वो कर सकते थे, उस टाइम मना कर देते कि भाई नहीं खेलो उसके अंदर। तो खैर एनीवेज ये तो बात हो गई इन लोगों की।
इसराइल बुलाया ऑस्ट्रेलिया को खेलने, कोई भी सॉकर का गेम कोई भी जाएंगे ही नहीं। इसराइल का तो अपना प्रोपेगेंडा है ना, वो तो पूरी दुनिया में है। I mean, वो बात वहां पे भी अप्लाई होती है ना, चाइना भी पहुंच जाएंगे, चाइना में भी ह्यूमन राइट नॉलेज, ये हर जगह पहुंच जाएंगे भाई, तो मुसलमान मुल्क में भी पहुंचेंगे अगर आज इनको सऊदी अरब बुला ले पहुंच जाएंगे। सही है, ये सब बी एस ड्रामा है, पॉलिटिक्स क्रिएट करने का, पॉलिटिकल एजेंडा डालने का, पॉलिटिकल एजेंडा डालने का। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम और घटिया होगी, ऑलरेडी घटिया होती जा रही है दिन ब दिन, अब और घटिया होगी, क्योंकि ये जब भी आप पॉलिटिक्स डालते हैं ना, टीम्स जस्ट गो डाउन द ड्रेन। अब हमारी पाकिस्तान की टीम को ही देख लो, पॉलिटिक्स सालों से उसमें गई हुई है, जब से जो है वो नया प्रेसिडेंट आता है, नया प्राइम मिनिस्टर आता है, वो नए बंदे को बना का देता है, तो इट अफेक्ट्स देम। तो आप पॉलिटिक्स से निकलो तो द टीम्स गोना डू गुड। और वो अफगानिस्तान की टीम है, वो लड़के लाइक दे बेयरली इवन स्टार्टेड प्लेइंग, या वो कोई और वो इतना नाइंसाफी हो के साथ, उनकी डेवलपमेंट का टाइम है अभी, उनकी क्रिकेट डेवलप हो रही है। आई डोंट नो आप क्या चाह रहे हो कि उनकी क्रिकेट डेवलप होना बंद कर दे, आई डोंट नो इफ इट्स अ जेलेसी फैक्टर के भाई वो उसकी वजह से उनके प्लेयर्स इतने अच्छे निकल रहे हैं और आगे जाकर वो एक वर्ल्ड क्लास टीम बन सकती है, तो आप उसको इस वजह से उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये प्लेयर्स ने बोला है, क्या ये प्लेयर्स ने रिक्वेस्ट करी है गवर्नमेंट से? नहीं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड जो है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड जैसे पीसीबी है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो बोर्ड है, उन्होंने गवर्नमेंट से वो करा है, आपस में बातचीत करी, क्या जबरदस्त बात। गवर्नमेंट ने उनको बोला है या फिर उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है, ये बात क्लियर नहीं हुई है, लेकिन गवर्नमेंट और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर साथ ये फैसला लिया। अगर तो देखो, अगर जैसे पाकिस्तान क्या है कि उसके अंदर आता, गवर्नमेंट के अंदर आता पूरा पीसीबी वगैरह, सही है, मुझे नहीं पता क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के अंदर आता नहीं आता। अगर तो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता तो ना तो उनको पूछने की जरूरत नहीं, ना तो उनको भी जाना चाहिए। इवन कि अगर गवर्नमेंट के अंदर आता है ना, गवर्नमेंट के अंदर ऐसा आता है कि गवर्नमेंट वैसे तो आना नहीं चाहिए, लेकिन तुम आईसीसी की अगर वो है बात करते हैं हम लोग, तो आईसीसी ये कहता है गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, कहता है या इसी वजह से वो काफी कितनी टीमों के उन्होंने वो कर दिया था, साउथ अफ्रीका को उस वजह से वो कर दिया था, इंडिया पाकिस्तान मैच वो इंडिया बोलता है हमारी गवर्नमेंट नहीं आ रही, वो पैसा का खेल है ना, आईसीसी बिका हुआ है, बिका हुआ है, करप्ट है, वो तो अलग बात है सर, लेकिन इस वीडियो का चेला है आईसीसी, नवाज शरीफ नवाज शरीफ नहीं है, बीसीसी आएगा चेला, एक ही बात है। इस वीडियो को ये खत्म करते हैं, हमें बहुत अफसोस हुआ है इस बात के लिए कि अच्छे मैच होते हैं, मैं देखना चाह रहा था कि भाई ये उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि वो बड़े टूवर्ड्स नहीं करते हैं, क्योंकि जो है अक्सर उनको, अब तो इंडिया भी नहीं खेलता उनके साथ, या क्योंकि अक्सर हम उनको टूर्नामेंट्स में ही खेलते हुए देखते हैं, लेकिन उनको मैच फिनिशेस करने नहीं आते, जीत नहीं होती है उनकी, तो क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये मैचेस उनको एक्सपीरियंस दिलाते हैं, इस वजह से मुझे बहुत अफसोस हुआ है, जैसे रेसिज्म हुआ है अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान की रूप में फर्क पड़ेगा आपको, अगर लिटरली अगर जैसे आपको वुमेन की जो है वो पढ़ाई पे फोकस करना है, डोंट डू इट फ्रॉम स्टूपिड क्रिकेट, इससे उनको तालिबान का क्या जा रहा है, आप उनके साथ मुजाकरात करें, उनके साथ मिले, आप डू सम वर्क, कोई ट्रेड डील बना लें, अब हम वी मेक अ ट्रेड डील, तुम ये दो स्कूल खोल लो, दो इस तरह के काम करें, ये तो नहीं है कि हम गेमिंग करें, ओनली यूनिवर्सिटीज बना दो, या यू नो फंड करो उनको किसी तरह, अगर आप थ्रेट करोगे वो बोलेंगे ओके भाड़ में जाओ भाई, उनका क्या जा रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा एट द एंड ऑफ द डे वो और ज्यादा बोलेंगे मैं और लड़कियों को नहीं पढ़ने दूंगा, भाड़ में जाओ तुम लोग, दैट्स द प्रॉब्लम ये वेस्टर्न कंट्रीज का, के ऊपर से आने की कोशिश करते हैं भाई, यू हैव टू लुक, आप जो है जो दूसरे जो है उनको फेस टू फेस देखें, फेस टू फेस देख के बात करें भाई, यू आर ऑन द सेम लेवल, यू नो। खैर आज की वीडियो को ये खत्म करते हैं बिफोर इट बिकम्स टू पॉलिटिकल, लेकिन अफसोस हुआ है, होपफुली फ्यूचर में अफगानिस्तान के लिए, शेख साहब तो दो दिन रो, दो घंटे से, शेख साहब तो वैसे भी क्या कहते हैं अपनी जो एंसेस्टर से अफगानी है, अफगान जलेबी खाते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे इसी तरह से, थैंक यू सो मच जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, और कमेंट्स कर बताएं आप लोगों का इस ओपिनियन, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस मैटर के, और अगर कोई ऑस्ट्रेलियन बंदा इत्तेफाकन उर्दू समझता है तो वो भी करे कॉमेंट, ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तानी इंडियन जो भी देख रहे हैं आप लोग बताइए आप लोग क्या राय है इस मामले में, यू नो। चले फिर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।